पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर यूपी के विभिन्न शहरों में औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए मेसर्स ननगिया एंडरसन एलएलपी को उत्तर प्रदेश में अधिकृत किया गया है। इस संबंध में आज ननगिया एंडरसन एलएलपी के साथ यस के प्रतिनिधि मंडल ने दिल्ली रोड स्थित एक होटल में आज एक बैठक की, जिसमें मुरादाबाद शहर के आसपास औद्योगिक पार्क विकसित करने की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान यस के सदस्यों द्वारा अपने विचार रखे गए। दिस मीटिंग हैज बीन सेलिब्रेशन ऑफ नांगिया एंडरसन। दे हैव बीन गिवन अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट टू डिसाइड अ लोकेशन फॉर इंडस्ट्रियल पार्क, अ बिग इंडस्ट्रियल पार्क फॉर मुरादाबाद एक्सपोर्टर्स एंड आर्टिसंस। उनकी हमारी फर्स्ट मीटिंग थी, वो हमसे ये राय लेना चाहते थे कि लोकेशन सबसे अच्छी कौन सी रहेगी और उन्हें किस किस बातों का ध्यान रखना है लोकेशन डिसाइड करते हुए, जिसमें हमने उनको बोला है कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कॉस्ट, सेकंड है ट्रांसपोर्टेशन और थर्ड है लॉजिस्टिक्स। क्या लगता है जो कंपनी का जो बोर्ड है कौन सी जगह चिन्हित रहनी चाहिए और कहां पर क्या फैसिलिटी? अभी उन्होंने कोई एरिया फाइनल नहीं करा है, बट वो आज हमारी उनसे पहली मीटिंग थी, उन्होंने हमारे सजेशंस लिए हैं। अब उसके बेस पे वो लोग जगह देखने शुरू करेंगे और थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है इसके अंदर, चार पाँच साल का पूरा उनका होराइजन है उसको डेवलप करने का, और आई थिंक उसमें थोड़ा टाइम लगेगा बिकॉज उनको लैंड बैंक काफ़ी बड़ा चाहिए, 100 acres का लैंड बैंक चाहिए उनको, और अभी जगह चूज़ करना बहुत ईजी नहीं होगा बिकॉज सबके अपने अपने पॉइंट्स होंगे, सबके अपने सजेशंस होंगे, सबको मीट करना, सबको फुलफिल करना उनके लिए एक बहुत बड़ा टास्क रहेगा। और इंडस्ट्रियल जोन है तो उसको उन्हें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि शहर के जितना पास हो सके, बहुत ज्यादा दूरी भी सही नहीं है MDA के लिमिट के अंदर हो। मीटिंग में यस के चेयरमैन रोहित ढल, महासचिव पुनीत आर्य, यस के नेशनल सेक्रेटरी जेपी सिंह, संयुक्त सचिव कुणाल दवे, आलोक मेहता, अंकुर अग्रवाल, पंकज सचदेवा, विवेक मुंजियाल, लव वाधवा, रजत ढल, मानव खैतरपाल और ननगिया एंडरसन LLP से डायरेक्टर तुषार शर्मा, मैनेजर अनुराग प्रतीक, मैनेजर दिव्य जैन भी उपस्थित रहे। इस दौरान जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा विभिन्न शहरों में औद्योगिक पार्क विकसित करने की तैयारी की जा रही है, जिसको लेकर एक सर्वे किया जा रहा है, जिसमें निर्यातकों से उनके विचार विमर्श जाने जा रहे हैं। साथ ही कहा कि औद्योगिक पार्क विकसित होने के बाद निर्यातकों को विभिन्न प्रकार की सुविधाओं मिल सकेंगी और निर्यात में और भी ज्यादा आसानी हो सकेगी। आज की मीटिंग थी, उसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि हमें उत्तर प्रदेश सरकार ने इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट एंड एंटरप्राइज प्रमोशन, उन्होंने हमें यहाँ पे एक मैंडेट दिया है जिसमें हमें यहाँ पे एक इंडस्ट्रियल पार्क सेटअप करना है फॉर मेटल क्राफ्ट, या वी कैन से दैट कि MSME इंफ्रा पार्क। तो इसके रिगार्डिंग हमारा पहला काम था कि हमें यहाँ पे कौन सी लैंड सूटेबल हैं, फिजिबल हैं, वो आइडेंटिफाई करनी है, और लैंड ऐसी आइडेंटिफाई करनी है जो सारे क्राइटेरिया मीट कर रहे हों, जिसमें इंडस्ट्री है, स्टेक होल्डर्स है, वो उनको वहाँ पे पार्क यूनिट सेटअप करनी है। तो उनका इनपुट चाहिए होगा, किसके क्या हैं, क्या फैसिलिटीज चाहिए, कौन सी लैंड ज़्यादा फिजिबल है, लॉजिस्टिक, रॉ मटेरियल, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर है, तो वो सारी लैंड आइडेंटिफाई करके हमें एक रिपोर्ट सबमिट करनी है और स्टेक होल्डर से वैलिडेट करवानी है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ गवर्नमेंट ऑफ UP। और यहाँ ये काम हमें मिला है, नांगिया एंडरसन LLP को ये काम दिया गया है। तो इसमें हमारा सुझाव यही था कि आज की मीटिंग में जितने भी यहाँ पे एक्सपीरियंस थे, क्योंकि सारे से सारे एक्सपीरियंस है यहाँ पे, 20 साल से 40 साल से काम कर रहे हैं, तो उनको बेटर पता होगा मुरादाबाद में कहाँ पे क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, तो उन्होंने अपने अपने इनपुट्स दिए हैं जिसको अभी हम उस पर वर्क करना, रिपोर्ट के फॉर्मेट में काम करना स्टार्ट करेंगे। तो इसमें साल भर का समय तो लग सकता है, सारा कुछ एक डेवलपर आइडेंटिफाई करने तक में साल भर का टाइम लग जाएगा, और इससे बेनिफिट ये मिलेगा कि जो उधर इंडस्ट्रियल पार्क में यूनिट सब करेगा, सेटअप वगैरह करेगा, हो सकता है सरकार उनको कुछ बेसिक फैसिलिटीज देने बारे में सोचे, जैसे गवर्नमेंट जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसमें काफ़ी इंसेंटिव दिए जाते हैं, फिजिकल इंसेंटिव दिए जाते हैं, वो वहाँ पे उनको मिलेंगे काफ़ी फायदा, एक्सपोर्ट फैसिलिटीज़ वगैरह वहाँ पे सेटअप कर सकते हैं, तो काफ़ी प्रकार के फायदे मिलेंगे वहाँ पर। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।